अकल कैसे हैं आप? बस इस ऑडियंस की तरह ही हूं। क्या मतलब अंकल ऑडियंस की तरह? बहुत खूबसूरत। नहीं नहीं, मैं आप बताएं मुझे कि आप यहाँ आए हैं मियामी बीच जी, कभी सैर किया आपने मियामी? बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मनु साहब। वो कैसे कर? मैं वहां गया बीच पे तो मुझे तो वहां ना, वहां तो बस बंदे ही नजर आए, वो तो मुझे नजर ही नहीं आई। किसकी बात कर रहे हैं आप? बीच की, मियामी बीच नहीं आप। मियामी? ओहो अंकल, मियामी बीच नहीं, बीच। हाँ अच्छा, बीच थी। हाँ बीच, बीच बीच में भी कोई नहीं थी। अंकल बीच उर्दू का नहीं है, वो बीच जहाँ पे साहिल पे लोग बीच, बीच बोना, वो तो नहीं बीच गई जो बोया था। नहीं नहीं अंकल, मियामी बीच, बीचेस। अच्छा वो, हाँ अच्छा 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 अच्छा, वो यानी कि किसी चीज का किनारा जो होता है जी जी, साहिल समंदर, साहिल समंदर पे। सुभान अल्लाह, बस वो गया जी मैं वहां पर। अच्छा साहब, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बस मुझे तो रोना ही आ गया। बल्कि किस बात पे अंकल? इतनी गुर्बत है इस मुल्क में। इस मुल्क में मियामी बीच पे कैसे अंदाजा हुआ आपको? किसी खातून के पास कपड़े नहीं थे, लगता सारे लड़ने में पाकिस्तान से जाते हैं। अंकल अच्छा, बहरहाल ये उनका पर्सनल मैटर है, आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जी जी, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये तो बड़े अरसे से बैठे हुए हैं। कहाँ? हाय हाय, अमेरिका की जड़ों में और कहाँ बैठे, जब से आए हुए बैठे हुए। नहीं नहीं, वो अंकल ना, उनकी जो बेगमात है माइंड कर जाएंगे। हाय बेगमात माइंड कर जाएगी, बेगमात के माइंड होते तो ऐसे शोर से गाड़ी करती, बेगमात अब ना माइंड कर सकती है ना रीवाइंड कर सकती है। जैसा भी मियां है, सबर शुक्र करके अब कबूल कर लिया हमको। वैसे खूबसूरत है माशाल्लाह जी जी, वो देखे अंकल कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि आज उनके मियाओं की उनको नजर ना लग जाए। नहीं नहीं, इस तरह नहीं कभी होगा, इनको इनकी मियाओं की कभी नजर नहीं लगेगी। वो कैसे अंकल? इनकी मियाओं की इन पे नजर होगी तो लगेगी ना, समझा करे ना जरा। देखिए वो उनके सर के ताज है, वो भी माशाल्लाह। सर के ताज, सरताज, सरताज, मामूसा सरताज वो होता है जिसके सर पे ताज हो। ये तो तू काफी सर नंगे नजर आ रहे हैं, ना सर के ऊपर है ना अंदर कुछ नजर आ रहा है। सरताज जो होता है वो शादी के 10 साल तक रहता है। बीवी कहती है घर जल्दी आया कीजिए, मेरा दिल घबराता है जी। 20 साल के बाद कहती है तुम फिर आ गए, मतलब ये सर और ताज बदलता रहता है जी जी, माशाल्लाह काफी। और मैं आपको पता है मामूसा साहब, जब आप गाना गा रहे थे जी, तो मैंने कहा कि शायद मुझे भी मेरी भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका में आया हूँ तो यहाँ आपको पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है, बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है यहाँ जी। अंकल ये तो है, देखिए वो स्कूल जाएगा चाहे अंग्रेजी बोलता है। क्या बात, आपके यहाँ भी अंग्रेजी बोली जाती है? आप किसी और हाँ से आए हुए, आप भी हमारे हमारे हाँ से हमारे साथ ही आए हुए, आपको पता है कि वहां पर अंग्रेजी कैसी बोली जाती है? कैसी अंकल? सुभान अल्लाह, अंग्रेजी ऐसी बोली जाती है कि मैंने उस अंग्रेजी को सामने रखते हुए कुछ गानों के मैंने कहा यहाँ पर अमेरिका जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करके ले जाऊं, ताकि वहां पर जो अंग्रेज हैं या अंग्रेजी समझते हैं जी जी, नई जनरेशन जो है हमारी। अच्छा अंकल मैं एक आपको गीत बताता हूँ, उसकी बताए ट्रांसलेशन उसने, कि वो है ना कि आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत गीत है ये, मैडम रोजा ने गाया हुआ जी जी, ये उन्हीं को सूट करता है असल में। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह बनेगी कि कॉल मी वेयर आर यू, कॉल मी वेयर आर यू, आई एम स्टिल 22। सड़के सड़के जाती है मुटियारे नहीं, कंडा चुबा तेरे पैर बाकी, इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह बनेगी मैं मूसा जी। सड़के सड़के जाती है मुटियारे, रोड रोड गोइंग ओ लेडी, रोड रोड गोइंग ओ लेडी, योर फुट इज पंक्चर ऑलरेडी, तो पंक्चर होना है कि नहीं। अच्छा अच्छा अंकल, वो एक पंजाबी गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, जब हॉलीडे लेंदा मेरा नाम मैं था मर जाता, बहुत अच्छा गाना। अब इस गाने का डायरेक्ट अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं हो सकता क्योंकि पंजाबी में है जी जी, पहले इसको उर्दू में डालना पड़ेगा, फिर इसका पांच अंग्रेजी में करना पड़ेगा।
कैसे अंकल? मैं करता हूँ ना, देखिए हम गाना है पंजाबी, क्योंकि जब होली जी लेने मेरा नाम जी मैं था मर जानी है, इसकी उर्दू बनेगी जब आप आयस्तगी से हमारा इस्म शरीफ पुकारते हैं तो मौके पे जहाँ भाग हो जाते हैं। तो इसको अंग्रेजी में किस तरह आपने? अंग्रेजी में ये होगा कि जब होली जी लेने मेरा नाम है तो वेन यू टेक स्लोली स्लोली माई नेम जी, वेन यू टेक स्लोली स्लोली माई नेम आई डाई ऑन द स्पॉट विद शेम। अब अंकल इसके अलावा भी कोई गीत आपने बनाए हैं? काफी गीतों को मैंने किया है, डाला है। वो दिले नादा तुझे हुआ क्या? देखे ना कैसा अच्छा शेर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वो स्टूपिड आर्ट व्हाट हैपेंड टू यू, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, वो स्टूपिड आर्ट व्हाट हैपेंड टू यू, एट लास्ट व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ दिस पेन, इस दर्द की दवा क्या है। अच्छा अब ये वो एक और भी बड़ा मेरी पसंद का है, मौसम रंगीले सुहाने। जी 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 हां, इसका तो मैंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन बनाई है, आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा, तो आए मौसम रंगीले सुहाने द कलरफुल वेदर हैव कम, जिया नहीं माने माय हार्ट डजंट बिलीव, तू छुट्टी लेके आ जा वाल कम माय डार्लिंग ऑन कैजुअल लीव। अच्छा मतलब क्या कैसा लगा आपको अमेरिका में आके? ये तो प्रमोटर को पता लगेगा। नहीं मेरा मतलब है आपको कैसे लगा? लग गया है जी। आप कभी माशाल्लाह उस वक्त से दिमाग लग रहा है जी जी, लेकिन हमें बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मैं पहली बार आया हूँ और मासिक मुसीबतें भी आई हुई थी। अच्छा वो कहाँ है? वो बीच में छोड़ा है, मैं के बीच सबके बीच में छोड़ा है, समुद्र के बीच में। अच्छा है? और मैंने कहा वापसी का टिकट नहीं है, इस तरह के शो होते रहे, मैंने कहा तुम ऐसे नहीं। माशाल्लाह आप कैसे लग रहे हैं, क्या हाल क्या है वैसे? हाल तो बस मेरा समझे असम्बली आज ही समझे असम्बली आज इस तरह होता है हमारा के अंदर कुछ बार कुछ और है जी, निरी खबते निरा शोर। अच्छा आप कैसे हैं ये बताइए? मैं माशाल्लाह देखें आपको कैसे स्मार्ट लग रहा हूँ। सुभानअल्लाह आप भी स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूँ, मुबारक हो जी आपको। किस बात के? हम दोनों ही सियासी लीडर हो गए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अंकल जोड़े कोई अच्छा सा शेर सुनाए मेरी ऑडियंस को। अच्छा जी मैं शेर तो अच्छे सुनाता हूँ, बाद में बुरा हो जाता है बरा। अब आपने फरमाइश कर ही दी है तो एक अभी अभी मेरे जहन में एक शेर आया है जी जी, कि आता है याद मुझको, आता है याद मुझको बचपन का वो नजारा, आता है याद मुझको बचपन का वो नजारा, फिडे मुंह तुम्हारा और फिडे मुंह तुम्हारा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा फिर ऐसा करते हैं अंकल आपको मैं डांस दिखाता हूँ। अच्छा ये काम मतलब अभी करना पड़ा आपको? नहीं अच्छा नहीं मेरे साथ अच्छा, नहीं, आपको डांस कोई और करेगा आप दिखलाएंगे जी जी, वो एक फनकार आई हुई बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छा डांस करती है, और मैं पीछे बैठ के देखूंगा आप अनाउंस कीजिए।